हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं KTM ड्यूक 250 के बारे में। गाइस आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था मुझसे कि भाई बहुत दिन हो गए आपने KTM ड्यूक 250 पे कोई भी वीडियो नहीं लाई है, तो गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में KTM ड्यूक 250 के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस बाइक का जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेटेस्ट प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन आता है बाइक का, क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज है, कैसा स्पीडोमीटर है, कैसे फीचर्स है, कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी KTM लवर्स है जिनको खासकर ड्यूक और ड्यूक 250 ज़्यादा पसंद है उनके लिए आज की ये जो वीडियो है गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं KTM ड्यूक 250 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाइक के प्राइस के बारे में। देखिए दोस्तों आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदने वाले हमारे पास पैसे हैं, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। हमारे पास जितने पैसे होते हैं, जितनी हमारी बजट होती है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। इसलिए कई बाइक का प्राइस बताना पहले मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कई यूट्यूबर क्या करते हैं प्राइस आपको लास्ट में बताते ताकि आप लोग वीडियो पूरी देखो, बट आपका भाई पहले प्राइस बताता है। ये चीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अगर बात कर ले KTM ड्यूक 250 के लेटेस्ट एक्स शोरूम प्राइस के बारे में तो 2,28,736 रुपीस, 2,28,736 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस, क्योंकि हर एक स्टेट की RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 2,62,000 2,62,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के CTN स्टेट में बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल FIDOSC इंजन आपको बाइक में मिलेगा। DOSC इंजन का मतलब होता है डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। ये जो बाइक मतलब ये जो इंजन होता है वो SOS इंजन से बहुत ही बेटर होता है क्योंकि इसमें डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट होते हैं गाइस, ठीक है। इस बाइक में 248.8 cc का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में 30 का PS पावर दिया गया है ड्यूक 250 में, जो कि 9000 RPM पर पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 24 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7500 RPM पर पावर जनरेट करता है। गाइस आप लोगों को बाइक में पावर एंड टॉर्क काफी बेहतर देखने को मिलेगा, इसी वजह से KTM की जो बाइक्स होती है उनको जाना जाता है उनकी परफॉर्मेंस के नाम से, क्योंकि पावर काफी ज्यादा रहता है और काफी लाइट वेट रहती है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में गाइस लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक में मिलता है। बाइक में 4 वॉल्वो है, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव आता है। स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ आपको बाइक में सेल्फ देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं जितनी भी हायर सेगमेंट की बाइक है आजकल की जनरेशन की बाइक से किसी में भी आपको किक नहीं मिलेगा, सारी बाइक किकलेस होती है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन है गाइस, साथ में आपको बाइक में क्लच में असिस्ट विद स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन मैनुअल है, 6 स्पीड गियरबॉक्स बाइक में देखने को मिलेंगे। बाइक की जो बोर साइज है गाइस वो 72 mm की है एंड बाइक की जो स्ट्रोक साइज है वो 61.1 mm की है। तो ये था दोस्तों KTM ड्यूक 250 के कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि अगर आपके पास ड्यूक 250 है और जो ड्यूक 250 लेना चाहता है भाई उनको ये बाइक कैसी लगती है। गाइस परफॉर्मेंस वाइज KTM का कोई तोड़ नहीं है गाइस, क्योंकि KTM को जाना जाता है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। परफॉर्मेंस में बाइक में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी और फीचर्स बिल्ड क्वालिटी भी KTM काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बात करते हैं दोस्तों बाइक के माइलेज के बारे में। अब आप लोगों को पता है दोस्तों इंडियन मार्केट में पेट्रोल का प्राइस कहाँ तक पहुँच चुका है, जितना पेट्रोल का प्राइस पहुँच चुका है उसके हिसाब से हमारे लिए माइलेज बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। गैस अगर इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको ऑलमोस्ट गाइस 30 से 35 के आसपास का जो माइलेज है वो प्रोवाइड कर देगी। अबाउ 30 का माइलेज तो आपको इस बाइक में मिल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना इसमें पावर है उसके हिसाब से जो माइलेज है वो बुरा नहीं है, ठीक माइलेज आपको बाइक में मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर देख पा रहे बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी फीचर्स है गाइस, ठीक है। फीचर्स में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर का मतलब होता है RPM, ठीक है, ट्रिप मीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, क्लॉक भी है, ABS लाइट भी है, LED इंडिकेटर लाइट है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, गियर शिफ्ट लाइट है, इंजन चेक इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे, यानी कि फीचर्स की आपको बाइक में कोई भी कमी नहीं मिलती। प्लस दोस्तों बात करें अगर बाइक के स्विचेस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे सबसे पहले पास स्विच है, ये लो बीम हाई बीम है, ये टर्न सिंगल है, पेन हॉर्न का स्विच आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ दो स्विच मिलते हैं, इंजन के असिस्ट है, एक सेल्फ का स्विच आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। चेसी टाइप में दोस्तों बाइक में स्प्लिट स्टील ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलेगा। ये जो फ्रेम होता है गाइस काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है गाइस, इसी वजह से ये बाइक काफ़ी लाइट वेट KTM बना पाता है इनकी चेसी की वजह से, क्योंकि मेन जो वेट आता है वो चेसी की वजह से भी आता है। बॉडी टाइप दोस्तों मैं आपको बता दूं ये स्पोर्ट नेकेड बाइक है, जैसे RC फुली फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है ना, ये वैसी स्पोर्ट नेकेड बाइक है गाइस। फ्रंट सस्पेंशन में आपको बाइक में WP के ओपन USD फॉक्स 43mm अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है। अब ऑब्वियसली बात है गाइस WP के जो ये सस्पेंशन है गाइस पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं खुद Duke 390 यूज़ करता हूँ एंड आई नो अबाउट दिस सस्पेंशन कि ये कैसे हैं। बात करें दोस्तों रियर के, तो रियर में आपको मिलेंगे WP मोनोशॉक सस्पेंशन, दिस इज ऑल्सो नाइस। बॉडी ग्राफिक्स भी आपको बाइक में बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों बाइक की डिमिनेशन एंड कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वह 2026 mm की, बाइक की जो ओवरऑल वीथ है गाइस वह 836 mm की, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है गाइस वह 1267 mm की, बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस वह 155 mm की, एंड बाइक की जो सीट हाइट है गाइस वह 823 mm की, यानी कि 823 mm की सीट हाइट है। मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5.3 या उससे ऊपर है तो आप बाइक को राइड कर लोगे। बाइक की जो व्हील बेस है गाइस वह 1357 mm की, एंड बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वह 169 kg का। साथ में बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाइस वह 13.4 लीटर की, लगभग 13.5 लीटर पेट्रोल एक बार में फ्यूल करा लोगे। चलिए अब आते हैं बाइक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, वो है दोस्तों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स, बाइक की लाइट। आप लोग देख पा रहे बाइक में आपको फुली LED लाइट देखने को मिलती है। अब गाइस इसमें LED लाइट तो मिलती ही है, प्लस इसकी जो लाइट ना गाइस बहुत ज़्यादा यूनिक है, यूनिक मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लुकिंग वाइज, किसी और ब्रांड में आपको इस टाइप की लाइट नहीं मिलेगी गाइस। और फुली LED सेटअप है, मैं आपको बता दूँ बाइक की जो लाइट आप देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाइक की जो टर्न सिग्नल लैंप है ये भी LED है, बाइक की जो टेल लाइट आती है वो भी LED है, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये भी आपको इसके इलेक्ट्रिकल्स में देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में मैं आपको बता दूं बाइक में 110/70 का टायर फ्रंट में मिलता है, जो कि 17-inch व्हील के साथ में आता है, मतलब इसकी जो व्हील साइज है गाइस वो 17-inch की है। रियर का जो टायर साइज है गाइस वो है 150/60 का, वो भी आपको 17-inch व्हील के साथ में देखने को मिलेगा। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलॉय व्हील आता है। बात करते हैं दोस्तों बाइक के अब ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखिए ब्रेकिंग में आपको बता दूं बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिल जाता है गाइस। प्लस मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिलता है, मतलब कि आप चाहें तो इस बाइक का फ्रंट ABS ऑन रखकर रियर ABS को ऑफ कर सकते हैं, जो प्रो बाइकर्स होते हैं गाइस जनरली उनको इनकी जरूरत पड़ती है। फ्रंट प्लेट साइज के बारे में बात करें तो फ्रंट में इसमें 320 mm की 320 mm की प्लेट यूज़ की गई है, रियर में आपको बाइक में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये था KTM Duke 250 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को Duke 250 कैसी लगती है। गाइस देखिए KTM की जो Duke 250 ना अपनी सेगमेंट की मुझे सबसे अच्छी बाइक लगती है। ये तो आप 390 लोगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, और अगर आप 200 में जाओगे तो थोड़ा सा पावर आपको कम लगेगा। सो गाइस मेरे हिसाब से जो Duke 250 है ना गाइस वो अपने सेगमेंट की परफेक्ट बाइक है, परफेक्ट परफॉर्म भी करती है, प्लस आप लोगों को परफेक्ट माइलेज भी देगी,
और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि जो ड्यूक 250 है उसकी खास बात है, परफॉर्म तो अच्छा करती है पर माइलेज भी आपको अच्छा प्रोवाइड करेगी। और KTM की बाइक है तो फीचर्स की तो कोई कमी आपको मिलनी नहीं है बाइक में। तो इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है KTM ड्यूक 250। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ड्यूक 250 कैसी लगती है। पर्सनली भाई मुझे तो ये बाइक काफ़ी पसंद है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।